Please subscribe to our channel and press the bell icon for more update. हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। सो दोस्तों, आज मैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड स्टेट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे शानदार ट्रिक लेकर आ गया हूँ। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन और पहले ट्रिक से। पहला क्वेश्चन दोस्तों और उसके साथ पहला ट्रिक, एक ट्रिक पे दोस्तों दो क्वेश्चन होंगे। दोस्तों ध्यान से समझिएगा पहले क्वेश्चन को। जैसा कि बोला गया है कि कोई धन 3 वर्षों में 25 गुना तथा 5 वर्षों में 36 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 30%। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए कैसे सॉल्व करना है। 3 वर्षों में 25 गुना, 5 वर्षों में 36 गुना। 5 वर्ष में कितना होता है? 36 गुना। और 3 वर्ष में कितना होता है आपका? 3 वर्ष में होता है आपका 25 गुना। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, जो क्वेश्चन में बोला हो मैंने लिख दिया। 5 वर्षों में 36 गुना, 3 वर्षों में 25 गुना। अब दोस्तों ध्यान में रखना है इन दोनों में कितने वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष और 3 वर्ष कितने वर्ष का अंतर है? 2 वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों अगर 2 वर्ष का अंतर रहेगा तो हम क्या करेंगे, 36 और 25 दोनों का वर्गमूल निकालेंगे। अगर दोस्तों वर्षों का अंतर 2 होगा तो वर्गमूल लेंगे। यहीं पर अगर दोस्तों वर्षों का अंतर 3 होता, वर्षों का अंतर 3 होता तो हम घनमूल लेते। यहीं पर दोस्तों अगर वर्षों का अंतर 4 होता तो हम चतुर्थ मूल लेते। सो दोस्तों वर्षों का अंतर 2 है तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा? 6/5। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि 5 से 6 कितना ब्याज मिल रहा है? 1 का ब्याज मिल रहा है। 5 से 6 हो रहा है तो 1 का ब्याज मिल रहा है। कितने पर? 5 पर। परसेंटेज में चेंज के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना परसेंट आ गया? 20%। इस तरीके से दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। सो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को आप 3 से 5 सेकंड में लगा सकते हैं। सो दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट सेम ट्रिक पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कोई धन 5 वर्षों में 27 गुना और 8 वर्षों में 64 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 33/1/3%, ऑप्शन सी 20% और ऑप्शन डी 30%। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना है? 5 वर्षों में 27 गुना, 8 वर्षों में 64 गुना। तो 8 वर्षों में 64 गुना जो लास्ट वाला है, 8 वर्षों में 64 गुना उसको पहले लेना है, फिर 5 वर्षों में 27 गुना, तो 5 वर्षों में 27 गुना। दोस्तों यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों देखेंगे वर्षों का अंतर कितना है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों वर्षों का अंतर 3 है। मैंने बताया कि यदि वर्षों का अंतर 3 होगा तो क्या निकालना है? घनमूल। तो दोस्तों क्या करेंगे, 64 और 27 का घनमूल निकाल दीजिए। कितना होगा? 64 का 4 होगा और 27 का 3 होगा। तो यहां से आप दोस्तों परसेंटेज निकाल लीजिए। 3 से कितना हो रहा है? 4, यानी 1 का ब्याज मिल रहा है आपको। कितने पर? 3 पर। गुणे 100 कर दीजिए यानी कितना? 33/1/3%, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं थर्ड क्वेश्चन और ट्रिक नंबर 2। एक ट्रिक पर दो क्वेश्चन दोस्तों। ट्रिक नंबर 1 पर मैंने 2 क्वेश्चन बचा चुका। अब दोस्तों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ट्रिक नंबर 2। सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक धनराशि 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना होगा? ऑप्शन नंबर ए 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5 वर्षों में स्वयं का 2 गुना, कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना? सो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और ध्यान से देखिए। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों आप 3 से 5 सेकंड में लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं डबल स्लॉट यहां बना देता हूं जितने की जरूरत है, ठीक। अब 5 वर्षों में 2 गुना यानी कि ए हुआ आपका 5 वर्ष। 5 वर्षों में 2 गुना होता है, कितना होता है? 2 गुना होता है। बोला है कितने वर्षों में 4 गुना है, तो 5 वर्ष और ले लेते हैं, 5 वर्ष और ले लेते हैं, तो ये 2 गुना जो है ना ये 4 गुना हो जाएगा। कहने का सेंस मेरा ये है दोस्तों कि जो
आपके वर्षों की संख्या होती है उसमें प्लस का कॉन्सेप्ट काम करता है, यानी जोड़ का कॉन्सेप्ट काम करता है, और जो गुना होता है उसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करता है, इसपे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करता है और इसपे प्लस का कॉन्सेप्ट काम करता है। इस तरीके से 5 और 5 10 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। क्या मैंने बोला दोस्तों, जो वर्षों की संख्या होता है उसमें प्लस का कॉन्सेप्ट काम करता है, यानी 5 वर्ष में 2 गुना तो 10 वर्ष में 4 गुना, तो 2 से 4 गुना कैसे हो रहा है, इसपे मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट काम करता है, इसमें प्लस का, तो इसका आंसर 10 वर्ष। अब इसी में पूछता मेरे दोस्तों, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। सो दोस्तों 5 वर्ष और लेते तो 4 गुना है, 4 गुना 8 गुना हो गया, हमको कहां तक जाना है, 16 गुना तक। तो 5 वर्ष और लेते तो कितना हो जाता, 8 गुना 16, यानी कि 5, 5, 10, 15, 5, 20, 20 वर्षों में 16 गुना हो जाता। सो दोस्तों सेम कॉन्सेप्ट और सेम ट्रिक जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लगाया, इसी तरह मैं दोस्तों बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में अपने का 3 गुना हो जाता है, वह धन उसी दर से कितने वर्षों में 27 गुना होगा। ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 9 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 27 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। जैसा आप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 लगाए हैं उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी लगाना। सो दोस्तों देखते हैं, इसमें 3 स्लॉट बनाते हैं, मान लीजिए 2 फिर 3। ओके दोस्तों 3 वर्ष में 3 गुना, ये रहा आपका 3 वर्ष में 3 गुना। ओके यहां तक तो आप समझ गए होंगे, हमको 27 गुने तक जाना है, तो अगले तीन वर्ष में कितना होगा, मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट काम कर लगाइए, यानी 3 वर्ष में 3 गुना, तो अगले 3 वर्ष में कितना होगा, 9 गुना हो गया। फिर अगला 3 वर्ष लगाइए तो 3 वर्ष और अगला ले लिया, तो 9 3 27, यानी कि 27 गुना। कितना वर्ष लगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना हो गया, यानी 9 वर्षों में 27 गुना आपका हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। सो दोस्तों इसपे जो गुना वाला होता है इसपे मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट काम करता है, इसपे प्लस वाला, या कर सकते हैं इसपे 3 पे पावर 1, फिर 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, फिर 3 पे पावर 4, ऐसे भी याद कर सकते हैं। दोस्तों आपको अपने माइंड में सेट करना है कि ऐसे याद करते हैं कि 3 3 का 9 3 27, या पावर से याद कर सकते हैं कि पहले 3 वर्ष में 3 पे पावर 1, अगले 3 वर्ष में 3 पे पावर 2, अगले 3 वर्ष में 3 पे पावर 3, अगले 3 वर्ष में 3 पे पावर 4। अगर इसी क्वेश्चन में दोस्तों पूछ लेता कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा, सो दोस्तों क्या करते, 3 वर्ष और जोड़ देते, तो 3 पे पावर 4 वाला लेना है, यानी कितना, 3 पे पावर 4 की वैल्यू हो जाएगा आपका 81 गुना, तो 3 6 3 9 3 12, यानी 12 वर्षों में 81 गुना हो जाता है। सो दोस्तों 81 गुना हो जाता। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया, 27 गुना होने के लिए आपको 9 वर्ष लगेंगे। सो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 और ट्रिक नंबर 3। ₹1000 का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। ओके दोस्तों 20% को दोस्तों अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो, क्या करते हैं, 20/100 लिखते हैं, यानी 1/5। अब दोस्तों एक साइड आप मूलधन लिख लीजिए और दूसरे साइड आप लिख लीजिए मिश्र धन। ओके दोस्तों 5 आपका है, 5 से 6 हो रहा है, कितने साल, 2 साल के लिए, तो पहले वर्ष के लिए 5 से 6 लिख लीजिए, फिर दूसरे वर्ष के लिए 5 से 6। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, मेरा चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाला, यानी 5 से 6 हो रहा है, मूलधन आपका 5 है तो मिश्र धन 6 हो रहा है, 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो पहले वर्ष के लिए 5 से 6, फिर दूसरे वर्ष के लिए भी 5 से 6 लिख लेना। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों 5 बचे 25 हो गया और 6 6 का 36 हो गया, ये जो 25 रेशियो की वैल्यू है मेरे दोस्तों 1000 के बराबर है, 25 रेशियो की वैल्यू जो है आपका
एक हजार के बराबर है तो एक रेशियो की वैल्यू कितना आ जाएगा? 40। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। 25 रेशियो की वैल्यू 1000, मूलधन तो आपका 1000 है ना, तो मूलधन 25 रेशियो के बराबर 1000 कर दिया तो एक रेशियो की वैल्यू 40। हमको मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन मेरा कितना है? 36। अगर एक रेशियो की वैल्यू 40 तो 36 रेशियो की वैल्यू निकाल लीजिए तो 40 × 36 यानी कितना हो जाएगा? 4×6 = 24 को 4×4 = 12 = 14 यानी कि आपका जो चक्रवृद्धि मिश्र धन हो जाएगा 1440 रुपया हो जाएगा। सो दोस्तों आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सो दोस्तों जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 5 बताया जिस ट्रिक और जिस कॉन्सेप्ट पर, उसी ट्रिक इसी कॉन्सेप्ट पर दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रुपया 10,000 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्र धन बताइए। ऑप्शन नंबर ए 13,310, ऑप्शन नंबर बी 12,000, ऑप्शन नंबर सी 15,000 और ऑप्शन नंबर डी 16,000। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। 10% को आप फ्रैक्शन में चेंज करिए तो इसको 10/100 लिख सकते हैं यानी कि 1/10। अब दोस्तों 10 से 11 जाना हमको, क्या ये 10 आपका मूलधन है यानी कि मूलधन आपका ये हो गया आपका मिश्र धन। ओके अब देखिए 10 आपका मूलधन है, एक ब्याज बढ़ रहा है तो 11 आपका मिश्र धन हो रहा है, तो 10 से 11 पहले वर्ष के लिए 10 से 11, फिर दूसरे वर्ष के लिए भी 10 से 11 आपको लिख लेना है, फिर तीसरे वर्ष के लिए भी 10 से 11 लिख लेना है। यहां तक तो आप समझ गए होंगे, जितने वर्ष के लिए बोला रहेगा उतने वर्ष के लिए आप लिख लेना है। यानी 3 वर्ष के लिए बोला है तो पहले वर्ष के लिए 10 से 11, दूसरे वर्ष के लिए 10 से 11, तीसरे वर्ष के लिए 10 से 11। अब देखिए आपका मूलधन है तो 10 × 100 = 1000 यानी कि जो 1000 की वैल्यू आपको दे दिया है कितना मूलधन है? 10,000 के बराबर है, यानी कि जो 1000 रेशियो है वो 10,000 के बराबर है, यही तो मूलधन है और यही मूलधन आपका इस मूलधन के बराबर है, तो एक रेशियो की वैल्यू आपका कितना आ गया? 10। हमको क्या मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन मेरा कितना हो रहा है? 11 × 11 = 121, 121 × 11 = 1331, 1331 हो गया गुड़े एक रेशियो की वैल्यू 10, तो 1331 रेशियो की वैल्यू कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13,310 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आप ऑप्शन नंबर ए के साथ आप चले जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड ट्रिक नंबर 4। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्ष में 800 व 4 वर्ष में 840 हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर है। सो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए 800 से 840। एक बात और ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं अगर वर्षों का अंतर केवल और केवल एक हो, वर्षों का अंतर केवल और केवल एक हो तभी ये ट्रिक काम करेगा। सो दोस्तों 3 वर्ष में 800 व 4 वर्ष में 840 यानी 3 वर्ष से 4 वर्ष कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का। सो दोस्तों देखते हैं 800 से 840 हो रहा है और वर्षों का अंतर कितना है? केवल और केवल एक। ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, मैंने बताया कि ये ट्रिक जो मैं बता रहा हूं अगर वर्षों का अंतर केवल एक होगा तभी आपको फॉलो करना है। सो दोस्तों देखते हैं कितना बढ़ रहा है, 40 की बढ़ोतरी हो रही है, कितने से? 800 से गुणे 100 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8 × 8 = 40 यानी कितना हो जाएगा? 5%। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, 800 से 840 हो रहा है, 800 से 840 कितना बढ़ रहा है? 40। किससे? 800 से गुणे 100 कर दिया तो 5% आ गया। सो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 सेम कॉन्सेप्ट यानी ट्रिक नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्षों में 714 हो जाता है तो ब्याज की दर है। क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में दोस्तों? वर्षों का अंतर कितना है? 1, तो हम ट्रिक नंबर 4 लगाएंगे। 672 से 714 हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है? दोनों के बीच का डिफरेंस दोस्तों 42 आ रहा है,
सो दोस्तों 42 बढ़ रहा है किससे, 672 से, गुणे 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 4 25 चौको 100 हो गया, 4 एकम 4 फिर 2 7 4 6 24 फिर 4 8 32 फिर इसको काटेंगे तो 42 चौको 168 होता है, यानी हो जाएगा आपका 25/4 जो कि 6 से 1/4% के बराबर, जो कि आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। सो दोस्तों ए मैंने बताया है एसआई और सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रिक लेवल का क्वेश्चन, दो कि किसी भी क्वेश्चन को दोस्तों आप 3 से 5 सेकंड में लगा सकते हैं। वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, दोस्तों आपको मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको समझ में आएगा। सो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को आप मिनिमम टाइम में विथ एक्यूरेसी के साथ आप लगा सकते हैं। सो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों आपका कोई क्वेश्चन हो या आपका कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।